स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चंस को आप बड़े इजीली कैसे वर्कआउट कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स शायद कर भी पाते हैं कुछ क्वेश्चंस, और मेन चीज़ें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो हम कैलकुलेशन टाइम को रिड्यूस करने की ट्रिक जान रहे हैं कि क्वेश्चन को आप कैसे हिट आउट कर सकते हो। तो देखिए, होता क्या है कि स्टूडेंट एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या होता है, एफ बाई एम। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताइए कि कोई भी बॉडी मूव कब करेगी, तो स्टूडेंट कहता है मूव जब करेगी जब मैं बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा। ऐसा है तो क्या मैं अगर इस बोर्ड पे फोर्स लगाऊंगा बोर्ड मूव कर जाएगा, नहीं करेगा। या किसी दीवार पे फोर्स लगाऊंगा क्या मूव कर जाएगी, नहीं करेगी। नहीं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। कोई भी बॉडी मूव जब करती है जब उस पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होती है। सो फर्स्ट फाइंड आउट दिस अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यू विल गेट योर आंसर। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने सबसे पहले यहां रखता हूं। तो अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो किसकी वजह से मूव करेगा, अच्छा ये बताओ ये सिस्टम M1 की वजह से मूव करेगा या M2 की वजह से। अगर यहां कंफ्यूजन है तो एक काम करो, M2 को हटा दो। अगर आप M2 को हटा दोगे, वेदर द M1 इज गोइंग टू मूव और नॉट, आपको सर M2 को हटा दिया तो M1 मूव करेगा। नेक्स्ट है, अगर मैंने M1 को हटा दिया तो M2 मूव करेगा, डेफिनेटली मूव करेगा। तो इस पूरे सिस्टम में मोशन को इनिशिएट कौन करा रहा है, वो करा रहा है M2 का वेट। तो नाउ व्हाट इज हाउ यू गोइंग टू राइट द एक्सेलेरेशन, द नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन विच विल बी इक्वल्स टू एम टू जी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू। ये आपका आ गया आंसर। आपने एक ही लाइन लिखी और उसी लाइन में आपका आंसर आ गया। सिमिलरली मैं आ जाता हूं यहां, मैं कहता हूं कि एम टू इज ग्रेटर देन एम वन, तो होगा क्या, आप कहोगे सर M2 will be responsible, here I am writing कि M2 के वेट की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा, so you will write M2G, और इसे अपोज कौन कर रहा होगा, वो M1 का sorry M1 का वेट कर रहा होगा M1G, तो आप कहोगे माइनस M1G डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना आ जाएगा, M1 प्लस टू M2। बोलो मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, नहीं किया। आप लॉजिकली एक्सेलेरेशन का क्वेश्चन एकदम से ऐसे ही हिट आउट करके कर सकते हो। और मैं बात करता हूँ फ्रिक्शन की, तो यहाँ एक्सेलेरेशन क्या आएगा, यहाँ एक्सेलेरेशन का वैल्यू आएगा नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, तो आप कहोगे सर एम जी। बस थोड़ा सा यहाँ नोटेड रखना, यहाँ फ्रिक्शन है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चंस में नीट और जेई में भी आ चुका है, और मैं मान लेता हूँ म्यू इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आप कहोगे सर इसकी वजह से तो मूव करेगा, बट जो ये दो फ्रिक्शन होंगी ये फ्रिक्शन इसे अपोज करेंगी। उस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्फेस है, तो क्या रहेगा, म्यू टाइम्स ऑफ एम जी माइनस म्यू टाइम्स ऑफ एम जी। क्यों, इसकी वजह से ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी मोशन के लिए, और मोशन को कुछ अपोज भी कर रही है, वो क्या कर कौन सी कर रही है, फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। कितने मासेस है, एम एम एम, कितना आ गया 3m। देखा, आप हर बार क्वेश्चन को सिंगल लाइन से ही वर्किंग कर सकते हो। और एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या आएगा, यहां आएगा जी वन माइनस टू म्यू बाय थ्री। सो दिस इज अ सिंपल ट्रिक। और ट्रिक अगर आपको जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमने एक टेस्ट एक सीरीज स्टार्ट करी है, बेसिकली द नेम ऑफ दैट सीरीज इज बेसिकली ड्रिप, डेली ड्रिप फॉर नीट एंड जेई। यहाँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कशन होगा। नेक्स्ट है ऐसे शॉर्टकट्स पे डिस्कशन होगा जहां आप चुटकियों में चीजों का आंसर निकाल सकते हो। सी, शॉर्टकट इज नॉट अ सॉल्यूशन, बट आप लॉजिकली ड्राइव करके चीजों को वर्कआउट कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, तीन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा मैंने 3 सेकेंड्स लगाए होंगे। I wish you all the best for your future exams. Thank you.